तो घर से जो है वो नवाज होकर निकल गया, उसको ढूंढते हैं पहले कहाँ घूम रहे हैं दुबई की गलियों में कहीं। स्टूडेंट जो है बागवानी और पेशावरी, तो ड्रेस भी जो है ना इनका वही ट्रेडिशनल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको हमारी तरफ से आज जुमा बहुत मुबारक हो। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मैंने बोला चलो आज यहीं से इंट्रो कर लेते हैं, आज से ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज तो भाई नमाज हमने पढ़ ली है, नमाज में आज हमारे साथ शामिल थे बेंजो मैन एंड सिस्टर्स। क्या बोला तूने? भाई हम दोनों ने जो है वो एक जैसे कपड़े पहने हैं, इसलिए हमारे को मिलता है आमिर लियाकत की तरफ से 2 Q मोबाइल, और ये शेख साहब को जो है वो मिलेगा एक ऊंट जो है वहाँ पर बच्चों को 10-10 रुपए में चलाया करेगा। हाय 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 हाय, ईद के दिन, उसके बाद ऊंट का क्या करेगा तू? बाप है ना, आज कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो कितनी गंदी बातें कर रही है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। ये खूबसूरत आदमी आप अभी देखे इस वक्त, ये पूरा अरब लग रहा है भाई। खाली सर के ऊपर तूने वो पहना होता ना, क्या बोलते उसको, तारे सर पे जो पहनते भाई, वही कतरा जो है उसने नहीं पहना, जो वो पहनता तो पूरा का पूरा अरबी लगता। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा भाई। आज का सीन ये है कि आज हमारा तारिक भाई के घर में है आखिरी दिन। तारिक भाई ने बोला जो 3-4 दिन तुम लोगों ने यहाँ रहकर गंद मचाया है, हालांकि मैंने कुछ नहीं मचाया, इसलिए भाई ने, लेकिन बोला आज पूरी सफाई करनी है क्योंकि कल इसकी फैमिली आ रही है तारिक की, तो हम जो है यहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तर लेके हम लोग निकलेंगे और किसी मस्जिद में जाके स्टे कर लेंगे या कोई होटल अगर किसी ने सस्ता दे दिया तो वहाँ निकल जाएंगे। भाई सफाई का काम जोरों शोरों से जारी है। लियाकत भाई ने जो ना कपड़े भी डाल दिए धोने के लिए। लियाकत भाई ये सब करना है बेटा, इधर सफाई करनी है। वो शेख साहब तो वहाँ जाके बैठ गए। आपने वॉशरूम धो लिए? मैंने धो ली जानी, और बोला सफाई हमने पूरी कर ली है। तारिक साहब ने माशाल्लाह अपने घर का जो है फर्नीचर चेंज करना है, सामान आना शुरू हो गया है। ये हैवी फर्नीचर आ कैसे रहा है ये दिखाऊंगा आपको मैं, कि किस तरह ट्रॉली पर लेकर आए जो टाइल है ये भी खराब ना हो और आराम से सामान आ भी जाए। सामान जो सारा आया है वो है इस कंटेनर के अंदर लोड होकर आया है, वो निकाल रहे हैं। वो जिस ट्रॉली में ला रहे हैं वो जरूर दिखानी है आपको। सामान तो खैर आपने देखा होगा पहले, लेकिन लाने का तरीका दिखाना। ये देखे भाई, ये हैवी सामान को लाने के लिए जो मैं बता रहा था ना टायर वाली गाड़ी, हम बचपन में बेयरिंग वाली गाड़ी बनाया करते थे, चला करते थे इसके ऊपर, ये बिल्कुल सेम है। जब बहुत ज़्यादा हैवी सामान हो तो इसको इसके ऊपर रख के लेकर आते हैं। ये देखें अभी मैंने भी इसकी राइड लेनी। तारिक यार कमरे में चलो जल्दी जल्दी आ, चलो लाका यार जल्दी कर, जा रही शाबाश मामे, पौड़ी 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 जल्दी कर, जल्दी करो शाबाश, अपने घर में काम करने में क्या शर्म यार, लाका तू शर्मा रहा है यार। बात तो सही है। ये देखो ये सारी कबाट की जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन करनी है, और ये इंस्टॉलेशन कितनी जल्दी होती है हम आपको दिखाते हैं 2 मिनट के अंदर। ये देखें ये हो गया यार। लगा ये क्या जानी, ये क्या नजर है? तारिक ने अंडा दिया है। ये तारिक ने अंडा दिया है? ये तारिक ने अंडा अंडा दिया है। अरे इसको हम लोग बॉयल करके खाएंगे। तू खाना है। हां चलो भाई आप इधर की वहां रख, लेके चलो लेके चलो। मैं कितना गया, कितना उठा सकती है भाई तू? मेरा भाई इधर इधर सीधा 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 आप कर भी लेते हो? मेरे को गिरा नहीं, ये टायर नया डालेगा ना? टायर तो नया डालेगा, मैं अपना ये कैसे नया डालेगा? 2000 years later. तो भाई काम तो काफी देर पहले खत्म हो गया था, लेकिन इतने थक गए थे। तारिक ने जो है हमसे झाड़ू पोछा करवाया पूरे घर का, बोला उन्होंने गंदा किया, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। झाड़ू तो मैं लगाया, पोछा जो है उसने लाकर से लगवाया कमीने ने, तो थकन हो गई दोस्ती, अब सो गए थे। दिखा दूं सेटिंग की, ये माशाल्लाह इसने अपनी बेटी के लिए ये अलमारी बनवाई है, ये ऐसा माशाल्लाह सिस्टम बनवाया सारा का सारा। अभी ये कुछ काम रहता है, ये कल आके कारपेंटर कर देंगे, तो कुछ ऐसा लुक आया इस कमरे का। उठाऊं तो इतनी भूख लगी है इस वक्त, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। लियाकत तो घर से जो है वो नवाज होकर निकल गया, उसको ढूंढते हैं पहले कहाँ घूम रहे हैं दुबई की गलियों में कहीं, उसको कोई उठा के ले जाए, कोई बल्दिया वाला या कोई खाम का कोई, उसको क्या बोलते हैं पुलिस वालों को यहाँ पर, शुरता कोई उठा के ना ले जाए, कि उसको कोई इधर घूम रहे हैं ऐसे कोई आवारा लोग घूम रहे हैं इधर। और इस बेडरूम का ये लुक आया, ये अलमारी है, इसके अंदर जो है ना वो शीशे लगने भी, ये भी कल होगा। ड्रेसिंग टेबल भी आ गई यहाँ की, और ये शीशा आ गया। शीशे और ड्रेसिंग टेबल तकरीबन सेम ही है। तारे कभी किधर ढूंढने के टुकड़ा को यार? यार वो नाराज हुआ क्यों? यार नाराज वो इसलिए हुआ, वो कह रहा था यार मैं घर में भी यही काम करता हूँ, घर वाले भी यही काम कर रहे थे, तूने भी यही काम कराना शुरू कर दिया उससे। ढूंढ रहे भाई रोडों पर, ढूंढ रहे कहीं नजर नहीं आ रहा। टुकड़ा मेरा जानी किधर है तू? यार दुबई की सुबह तो है ही खूबसूरत। ये देखे रात का दुबई, रात के दुबई की तो बात ही अलग है। रात भी माशाल्लाह खूबसूरत, दिन भी खूबसूरत, और बात ये कि जब दोस्त साथ हो तो फिर तो हर जगह ही खूबसूरत लगती है, हर जगह अच्छी लगती है। ये देखे मेरा खूबसूरत दोस्त गाड़ी चलाते हुए मोबाइल चला रहा होता है।
भाई लियाकत को ढूंढ ढूंढ के हम थक गए, लियाकत हमको कहीं नजर नहीं आया खाना खाने के लिए। इसका मतलब मैं और तारिक जो है आज अकेले खाना खाएंगे, और खाना खाने के लिए हम आए हैं आज वाखा। यहाँ पर मिलती है जी दुम्बे की कढ़ाई और दुम्बे की रिब्स। पश्तो में वाखला का मतलब होता है ले लो, तो इन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी है। ये है भाई वाखा रेस्टोरेंट है, ये है अगवानी और पेशावरी कोजीन। मिलता तो यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन जिसके लिए मशहूर है वो है दुम्बे की कढ़ाई और दुम्बे की रिब्स, तो आज हमने वही खानी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो हमने आते हुए रास्ते में जो है फोन पर ऑर्डर दे दिया खाने का। अगर हम यहाँ आकर ऑर्डर देते तो तकरीबन पौना घंटा लग जाता। अभी भी हमको टेबल मिली है, हमारा नाम बार कॉल हुआ है कि तारिक साहब और फैसल साहब अंदर आ जाएं, आपका नंबर आ गया। अभी हम आकर बैठे हैं, अभी खाना आया नहीं है, 5-10 मिनट में आएगा। यहाँ जो रश हो रहा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि फैमिलीज बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा रश है, पैर रखने की जगह नहीं है। भाई सलाद भी जो है वो खुद काटनी है, इन्होंने साबित ला कर दे दी, बोला सेल्फ सर्विस। तूने बेटा आज बहुत काम कराया हमसे, आज तू भी काम कर, शाबाश। टुकड़ा नहीं मिला, टुकड़ा भाग गया, घर छोड़ के चला गया, अब इसको ढूंढना है जाकर कहीं रोड वोड पे पड़ा होगा कहीं पर। हमारा रेस्टोरेंट जो है अगवानी और पेशावरी, तो ड्रेस भी जो है ना इनका वही ट्रेडिशनल चल रहा है। खाना आ गया हमारा, ये है हमारी दुम्बे की कढ़ाई और ये है दुम्बे की रिब्स, लैम्ब चॉप्स। चाप पे रिब्स को नहीं बोलते क्या? वही सेम ही होता ना, साकी गाले में। तो भाई एक ले लिया हमने चाप, यहाँ से लेते हैं कढ़ाई थोड़ी सी। नान भी जो है वो तिल वाले ज़बरदस्त है। तो भाई पहला नवा लेते हैं कढ़ाई का, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। आहा हा निकल रहा है, अल्लाह रहमान रहीम। वाह जो है वो चाप को ट्राई करते हैं, मजेदार। लियाकत बड़े गलत टाइम पर नाराज हुआ, खाना हमने खा लिया लेकिन फिर भी हमारे दिल में आया कि वो बेचारे ने पता नहीं खाया नहीं खाया, तो उसके लिए हमने जो है वो पार्सल ले लिया। हो सकता है वो घर पहुंच गया हो, आया नहीं आया जाके देखते हैं। लियाकत आया नहीं आया, लियाकत घर भी नहीं आया यार, अभी इसको किधर ढूंढेंगे हम लोग लियाकत को यार। पुलिस को कॉल करें क्या? पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी, मिल नहीं रहा है। अब वैसे ये सही बोल रहा था, पागल खाने को फोन करना पड़ेगा ताकि यार अभी जिम्मेदारी हमारी यार। मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। डैश है, डैश है, डैश है, फिर भी है तो हमारा दोस्त ही यार। दुम्बे की कढ़ाई थी बहुत मजे की, और थोड़ा ज्यादा भी खा लिया और वो चर्बी वगैरह सब खा लिया, तो वॉक बहुत मस्त है इस वक्त। कुछ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट है यहाँ का, रात के जैसे 10 बजते हैं तो गेट हो जाते हैं लॉक। बाहर से खोलने के लिए जो है वो कोड डालना पड़ता है, और अगर अंदर से कोई जा रहा था उसको पुश करेंगे अब डोर खुल जाएगा। ये डोर हो गया ओपन, ये वाला, ये वाला, ये तो नहीं हुआ दोबारा, एक दफा अब हुआ नहीं हुआ, हो गया। और जब यहाँ से बाहर से आएंगे तो ये गेट दोबारा लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर कोड डालना है फिर गेट खुलेगा। भाई एक तो यहाँ का ये सबसे बेस्ट सीन है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स बने हुए सबके बाहर बैठने की जगह बहुत VIP है, जैसे इंडोर है तो आउटडोर इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ। ये देखें ये एक और रेस्टोरेंट है, इसका भी बिल्कुल सेम ही, अभी बंद हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो भाई तकरीबन आधे घंटे से मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी वॉक हो चुकी है, और ठंड इतनी हो रही है। मैंने घर कॉल की थी थोड़ी देर पहले तो बता रहे थे कि वहाँ पर हो रहा है 19 degrees और यहाँ हो रहा है 14 degrees। तो भाई अब मसला ये का टेंशन हुई है, टुकड़ा अभी तक नहीं आया, टुकड़ा मतलब लियाकत अभी तक नहीं आया, और मुझे अब वाकई में टेंशन होना शुरू हो गई है। तो भाई व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं कल के व्लॉग में इस अपने बन के साथ, कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।